हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड से ठीक हो रहे हैं, एंड स्पेशली वो लोग जो अब जॉब पे भी जाना शुरू हो गए हैं और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल से जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो मानसून का सीज़न चल रहा है और उसके बाद फिर सर्दियाँ आनी है, तो ऐसे टाइम में हमें अपनी सेहत कि कैसे रक्षा करनी है, क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हमने करनी है जिससे कि हमें ज़्यादा दिक्कतें ना आए और हमारी स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे रिगेन हो जाए, इसी पे मैं आज आपसे कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगी। सेकेंड, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली आप अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दें, सो दैट अच्छी चीज़ें, हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन सबको शेयर की जा सकें। तो पहला पॉइंट है, आपने ये चीज़ याद रखनी कि अगर आपका चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हुआ था, यानी कि आपको कोविड निमोनिया भी हुआ था जिसमें कि चेस्ट में पेन हुआ होगा, आपको खांसी, बलगम और सांस में दिक्कत। और एक चीज़ और याद रखें, आपका इलाज थोड़ा लंबा चला होगा और डॉक्टर ने जो एंटीबायोटिक्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा दिनों के लिए दी होंगी, तो आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखनी है। पहली प्रिकॉशन है ये जो मैंने किया हुआ है, आपने अपने गले को किसी भी चीज़ से रैप करके रखना है, राइट, सो दैट आपको गले में और चेस्ट के एरिया में सर्दी नहीं लगे। बारिशों में क्या होता है फ्रेंड्स कि हवा में नमी होती है जिससे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक चीज़ हमें और ये ख्याल रखनी है कि अब हमारी ज़िंदगी पहले से बदल चुकी है, भले हम अपनी हेल्थ रिगेन कर ले हैं लेकिन कुछ कुछ प्रिकॉशंस ये मस्ट हैं। मेरे ख्याल से आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप लोगों की परवाह ना करें और अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे कि हवाएं चलती हैं, बारिशें ज़्यादा होती हैं, आप बेशक से कोई भी हाफ स्लीव्स का स्वेटर हो जो थोड़ा सा टाइट हो, जो क्लिंगिंग सा हो, वो पहन के रखें, सो दैट आपकी जो चेस्ट है वो वार्म रहे। और स्कार्फ बांध के रखने में, शॉल ओढ़ के रखने में बिल्कुल नहीं शर्माएं। उसका फ़ायदा ये होना है कि आपका जो अपना बॉडी का जो बॉडी हीट होती है, बॉडी टेम्परेचर होता है, वो एटमॉस्फेयर में लूज नहीं होगा और आपको कॉफ, कोल्ड, चेस्ट में इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होने के चांसेस कम रहेंगे, राइट? इसके बाद अगर एक चीज़ और है कि अगर आप जॉब पे जाना शुरू हो गए हैं तो आपने अपना पानी घर से लेके जाना है। प्रेफर करें कि आप 2-3 थर्मसेस खरीद लें, एक में आप हॉट वाटर लेके जाएं जिसमें कि आप तुलसी डाल लें, यानी कि तुलसी वाटर, दूसरा आप अपना एक नींबू शहद का पानी, और आपका खाना जो है वो भी आप प्रेफर करें घर से लेके जाएं, बाज़ार से, या आप अगर कहीं काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो अवॉइड करें कि आप आउटसाइड फूड ना लें। अपने स्नैक्स भी आप टिफ़िन में रख सकते हैं, आप एक अपना अलग से बैग बनाएं जिसमें आपके सारे ईटेबल्स हों, 2-3 आप छोटे छोटे हैंकीज रखें, इवन हाथ धोने का पानी या आपका सैनिटाइज़र भी आपके साथ रहना चाहिए। ये एक नया लाइफस्टाइल है जो हमें करना है। और रही बात कि ऑफिस प्लेस में आपने लंच खाना है तो कैसे करना है, अगर आपका ऑफिस एयर कंडीशन है तो आप बेशक बाहर आ जाएं ऑफिस से लंच आवर्स में, आप कार पे जाते हैं तो अपनी कार में बैठ जाएं, हाथों को वॉश कर लें अच्छे से और फिर आप अपना खाना खाएं कार में ही, और भीड़ भाड़ से आपको अपने को बचा के रखना है। घर आपका पास है तो बेशक से लंच आवर्स में घर आ जाएं और आराम से खाना खा लें, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़, जैसे पहले होता था हम सब ग्रुप में बैठ के और अपने स्टाफ रूम या किसी भी जगह पे खाना खाते थे, वो प्लीज़ ना करें। वाई? बिकॉज आप खाना खाएंगे, आप मास्क उतारेंगे, आधा घंटा आप खाना खाएंगे, च्यू करेंगे, तो ऐसे में सांस तो आप ले रहे हैं तो आप वायरल ओवरलोड आप ले सकते हैं, आसपास अगर कोई है जो वायरसेस को एमिट कर रहा है तो वो आप खाने के साथ साथ इनहेल करेंगे, तो बेटर है कि अकेले खा लें, कहीं दूर खा लें, या ऑफिस के आसपास कोई पार्क है तो वहाँ चले जाएं। तो ये छोटी सी प्रिकॉशन है लेकिन ये अपने में बहुत मायने रखती है। और इसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मास्क, पता नहीं क्या सोच के आजकल सभी ने मास्क उतार दिए और ऐसे धड़ल्ले से घूम रहे हैं कि एज इफ कोरोना चला गया। फ्रेंड्स, रिपीटेडली डॉक्टर्स एंड गवर्नमेंट्स कह रहे हैं कि मास्क लगा के रखें, उसका एक साइंटिफिक लॉजिकल रीज़न है, वैसे तो हम सभी जानते हैं लेकिन मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। वाई? बिकॉज अच्छी चीज़ें हैं, जितना रिपीट होती हैं उतना दिमाग में बैठती हैं।
मैं मास्क जब पहनती हूँ तो मैं अपने जो वायरसेस हैं वो आपको नहीं देती हूँ। पहली बात, जब मैं मास्क पहनती हूँ तो मैं आपका वायरस अपने में इनहेल नहीं करती हूँ। दूसरी प्रोटेक्शन। तीसरा रिस्क, अगर मैं मास्क नहीं पहनती तो मैं हवा में छींके, खांसी, वैसे भी सांस लेते हुए भी हंसते हुए चिल्लाते हुए वायरसेस को हवा में छोड़ रही हूँ। आपने भी मास्क नहीं पहना, आप उसको इनहेल कर रहे हो और यही होती है म्यूटेशन। म्यूटेशन एक साइंटिफिक वर्ड है, लेकिन उसका सरल अर्थ ये है कि मेरा कीटाणु आप में जब गया तो उसने अपनी शक्ल, सूरत, अपने बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज कर लिया और उसने आपकी शक्ति चुरा के खुद को शक्तिशाली बना लिया। और फिर इसी से आती है फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ, आती ही रहेंगी वेव्स। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी खतरे में हो, लोगों की ज़िंदगी भी खतरे में हो, आपकी फैमिली की ज़िंदगी भी खतरे में हो, समाज, देश, इस धरती पे मानव जाति सभी खतरे में रहे? सिर्फ एक मास्क लगाएं तब तक जब तक कि गवर्नमेंट्स एंड डॉक्टर्स नहीं कहते कि अब हम मास्क फ्री हो चुके हैं। आपको वैक्सीन लगा है या नहीं लगा है, प्लीज़ आपने मास्क ज़रूर लगा के रखना है फॉर योर ओन सेफ्टी। और दूसरा, ये आपका धर्म है, देश के प्रति धर्म है, मानवता के प्रति धर्म है। इससे क्या होगा कि वायरस जो है जहाँ है जैसा है धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा, हम शक्तिशाली होते जाएंगे। और हम अगर मास्क नहीं लगाते हैं और कोई और इंसान हमारे द्वारा छोड़े गए वायरसेस को इनहेल कर लेता है तो आप ये सोचें उसकी जान खतरे में है। क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे कि भगवान के घर में आपको एक किलर या मर्डर का दर्जा मिले? हो सकता है दूसरे इंसान की इम्यून सिस्टम वीक हो और आप स्ट्रांग हो, तो वो आपके वायरसेस को इनहेल करके आईसीयू में ही पहुंच जाए, वेंटिलेटर पे ही चढ़ जाए, हो सकता है उसकी जान भी चली जाए। तो हम जब सोसाइटी में जाते हैं तो हमें लोगों के इम्यून सिस्टम का पता नहीं है, किसको कितना खाना मिलता है, किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, किसमें कितनी जान है, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए हमने इस धर्म को निभाना है। बाहर जाना है तो मास्क पहनना है ताकि मैं भी सुरक्षित रहूं और दूसरों की भी जान को खतरे में नहीं डालूं। ये एक पुण्य का काम है और ये हमारी ड्यूटी है, राइट? ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी प्रिकॉशंस आपने लेनी है। सर्दी, खांसी, जुकाम से आपने बचना है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपने एक्स्ट्रा केयर लेनी है। पहले के दिनों की तरह नहीं कि चलो चाय में थोड़ी सी चीनी डाल लेते हैं, एक आध गुलाब जामुन खा लेते हैं। जितने भी डायबिटिक्स होते हैं उनको खासकर से पल्मोनरी इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है, चेस्ट में इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो अब बिल्कुल मीठा वीठा नहीं चलेगा। इसके अलावा आप क्या करें, रेगुलर नीम का उपयोग करना शुरू कर दें अपनी लाइफ में। आप आसपास देखें आपके नीम के पेड़ लगे हुए हैं तो दो चार पत्ते तोड़ के खाएं, और नहीं तो उसका कमर्शियली आप जो भी मिल रहा है वो भी ले लें। एंड तुलसी गिलोय हम ऑलरेडी आपको बताते रहते हैं। ये सारे प्रिवेंटिव चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा बीमार होने से बचाएंगी, राइट? जैसे कि वैक्सीन है वो हमें सीरियस इलनेस से बचाता है, पर ऐसा नहीं है कि हम अपना ये सब खा रहे हैं, तुलसी गिलोय और बाकी चीज़ें खा रहे हैं, विटामिन सी खा रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग्स ले रहे हैं, सारे मल्टी विटामिन्स ले रहे हैं, वैक्सीन भी लग गई है और अब हम आज़ाद हो गए हैं कि हम जो चाहें करेंगे। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, अभी जब वो वक्त आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। एटलीस्ट इस साल एंड अगले साल भी प्लीज़ मास्क पहने रहिए, और WHO से और हमारी गवर्नमेंट्स एंड हमारे डॉक्टर्स की तरफ से आपको खबर ज़रूर मिलेगी कि अब हम सब में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, मतलब पूरी कम्युनिटी इम्यूनाइज हो गई और मास्क की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम सबको प्रार्थना भी करनी है और प्रयास भी करना है। तो आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, लेकिन मैं होप करती हूँ कि मैंने सभी पॉइंट्स कवर कर दिए फटाफट से और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा है। मैं डॉक्टर लता आप सभी के सुखी, लंबे, हेल्दी, प्रॉस्परस लाइफ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगी, एंड मुझे भी अपनी प्रेयर्स में ज़रूर शामिल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।